नमस्ते मित्रों, एक समय था जब दुनिया के लोग मानते थे कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, लेकिन एक वैज्ञानिक आए कॉपरनिकस, जिन्होंने यह प्रूफ किया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। लेकिन 99% लोग नहीं जानते कि धरती किस तरह घूमती है, तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि धरती कैसे घूमती है। इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। हमारी धरती की गति बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसकी 5 टाइप की गति है। आप जानते हैं कि धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है, राइट। आप जानते हैं कि धरती सूरज के चारों ओर भी घूमती है, अगेन राइट। लेकिन सूरज के चारों ओर धरती गोल चक्कर में नहीं घूमती, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, यानी एक अंडाकार आकृति में। इसके अलावा हमारी धरती की 3 और गति है, हालांकि ये गति काफी धीरे होती है। पहली, अपने अक्ष के सापेक्ष गति, यानी हमारी धरती एक लट्टू की तरह भी घूमती है, कुछ इस तरह, जिसमें उसे एक पूरा चक्कर लगाने में 26,000 साल का समय लगता है। जैसे एक लट्टू घूमते हुए जब धीरे हो जाता है तब कुछ इस तरह घूमता है, इसी तरह धरती घूमती है। और दूसरी, धरती के इलिप्टिकल प्लेन की गति, यानी कि जिस अंडाकार प्लेन में धरती घूम रही है वह भी बहुत धीरे धीरे गति करता है। इसे ऑसिलेट करने में 70,000 साल का समय लगता है। तीसरा, यह जो धरती का अक्ष दिख रहा है, यह इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो प्लेन है उसके सापेक्ष गति करता है, ऑसिलेट करता है। इसे ऑसिलेट करने में 41,000 साल का समय लगता है। और इन सब के अलावा सूर्य हमारी धरती और सभी प्लैनेट्स को साथ में लेकर अंतरिक्ष में गति करता है, तो इस तरह धरती और अन्य ग्रहों की फाइनल मूवमेंट कुछ इस तरह दिखेगी। तो इस मोशन को देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर मैं भगवान होता तो इस मोशन को 1 सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सोचिए, जो इस कॉम्प्लेक्स मोशन को कंट्रोल कर रहा है वह कितना परफेक्ट होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, आप भी यही सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, घंटी को दबाइए ताकि आपको मिले हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले।